वेलकम मिसलेनियस एपिसोड के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। इस बार फिर मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि SBI क्लर्क प्री में 2016 में आए थे। ये क्वेश्चंस भी अलग अलग चैप्टर के हैं और इससे आपके चैप्टर की प्रैक्टिस ठीक तरह से हो सकेगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको कोशिश सिर्फ यही नहीं करनी है कि वो बन जाए बल्कि जल्दी बने ये भी सोचना है। आइए हम लोग विथ कॉन्सेप्ट बात करेंगे ताकि अगर किन्हीं का ये पहला एपिसोड हो तो उन्हें भी ये बात समझ में आ सके। हालांकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि चैप्टर पर कमांड तो चैप्टर के वीडियो को देख करके ही होगा। आइए हमारा पहला जो सवाल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। देखिए CI का सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। टाइम 1 ईयर ही है, इंटरेस्ट का जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो अलग अलग है, ईयरली एंड हाफ ईयरली। कंपाउंड होने का मतलब होता है कि वो इंटरवल जिसके बाद प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह सब ऐड होकर के एक नया प्रिंसिपल बनता है अगले कंपाउंडिंग पीरियड के लिए। तो ईयरली होने पर 1 ईयर में क्या कंपाउंड और क्या सिंपल, एक ही बात है। क्योंकि 1 ईयर है ना, 2 ईयर्स होता तो फिर कंपाउंड और सिंपल अलग अलग होता। ईयरली कंपाउंडिंग होने पर 1 ईयर में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड, बट डिफरेंस इफ कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यानी अगर हम मैप बनाएं तो ये हमारा 5,000 रुपीज है। ईयरली होने का मतलब हुआ 4% के रेट से एक बार में ले लीजिए 200 रुपीज, बस यही मिलेगा। प्रिंसिपल को छोड़ दिए तो इंटरेस्ट के रूप में। और हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे और 4% पर एनम है तो हाफ ईयर में 2% करके होगा। 2% कितना होगा देखिए 5,000 का, 1% मतलब 50, तो ये 100 और 100 होगा और प्लस इसका जो 2% होगा दैट विल क्रिएट डिफरेंस। 200 तो यहां भी है, 200 तो यहां भी है, बस ये 2 ज्यादा है, यही डिफरेंस है और इसीलिए ए आंसर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। देखिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, द स्पीड्स ऑफ जॉन एंड मैक्स आर 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली मैक्स इज एट ए प्लेस एल एंड जॉन इज एट ए प्लेस एम। द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इज 650 किलोमीटर। जॉन स्टार्टेड हिज जर्नी 3 hours अर्लियर देन मैक्स टू मीट इच अदर। इफ दे मीट इच अदर एट ए प्लेस पी समवेयर बिटवीन एल एंड एम देन द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एम इज। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आएगा। सॉल्व करने के ख्याल से बात करता हूं। द स्पीड्स ऑफ जॉन एंड मैक्स आर 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली मैक्स इज एट ए प्लेस एल, मान लीजिए हम लोग एक प्लेस एल बना देते हैं और एक प्लेस एम बना देते हैं, तो जॉन इज हियर। इनिशियली मैक्स इज एट ए प्लेस एल, मैक्स इज हियर एंड जॉन इज एट ए प्लेस एम, जॉन इज हियर। जॉन्स स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। इनिशियली मैक्स जो है वो एल पर है और इनिशियली जॉन जो है वो एम पर है। डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम दिस इज 650 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस है। ओके, जॉन स्टार्टेड हिज जर्नी, जॉन अपना जर्नी स्टार्ट करता है 3 hours अर्लियर देन मैक्स, मैक्स के चलने के 3 घंटे पहले ही जॉन चल चुका है। ओके, 3 hours अगर ये चला है तो 3 hours में 3 × 30 90 किलोमीटर वो चल चुका है। जब मैक्स चलना शुरू करता है तो जॉन यहां ना होकर के यहां होता है, यहां और यहां से दोनों एक साथ चलते हैं। रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों का एक साथ चलना जरूरी है।
क्योंकि ये 3 आवर्स पहले चला है, मैक्स जब चलना शुरू करता है तो 3 आवर्स में 90 किलोमीटर आगे जॉन जा चुका है। दोनों यहां है, 90 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और यहां से यहां तक 650 है, तो 90 घटा दीजिए तो 560 किलोमीटर हुआ, ये डिस्टेंस बच गया है। दोनों स्टार्ट हैं, जाने के लिए तैयार हैं और दोनों चलते हैं। एक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 और 30 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 560 किलोमीटर को जाने में 8 आवर्स लगेंगे, यानी यहां कहीं पी पर वे लोग मिलते हैं। हमें बताना है पी और एम के बीच डिस्टेंस क्या है, पी और एम के बीच डिस्टेंस बताना है। लेकिन P और M के बीच डिस्टेंस बताने में दिक्कत यह है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बताना पड़ेगा, इसलिए हम लोग PM न निकाल के LP निकाल लेते हैं और उसे 650 में लेस कर देते हैं। ये आसान तरीका है। 8 आवर्स में जॉन भी यहां से यहां आता है, 8 आवर्स में मैक्स भी यहां से यहां आता है। मैक्स ने LP डिस्टेंस तय किया 8 आवर्स में 40 के हिसाब से 320 किलोमीटर, इसलिए ये पूरा जब 650 है तो ये डिस्टेंस क्या है जो कि पूछा गया था, ये 650 माइनस 320 यानी 330 किलोमीटर है। दिस इज द आंसर। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। मैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रुकिए, कॉन्सेप्ट है कि जॉन 30 किलोमीटर पर आवर से चला है, 3 घंटे बाद मैक्स चलेगा, तो 3 घंटे चलने दीजिए, 3 आवर्स 90 चल गया। अब क्या है, 650 में 90 लेस कीजिए, 560 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रेडी, दोनों स्टार्ट, चलने को तैयार, ये है 30, ये है 40, 70 किलोमीटर पर आवर, 516, 8 आवर्स, 8 आवर्स में 40 के रेट से 320 किलोमीटर, कौन चला है, मैक्स। तो हमें डिस्टेंस उधर का निकालना है, 650 में जब हम लोग 320 को लेस करते हैं तो 330 किलोमीटर इज द आंसर। आप अगर इधर से निकालते तो 8 आवर्स में 8 × 3 = 30 यानी 240 होता, प्लस 90 करते तो 330 किलोमीटर होता, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये अब सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सवाल थर्ड एवरेज का सवाल है। थर्ड नंबर जो सवाल है ये एवरेज का सवाल है, लेकिन ये एलिगेशन का भी सवाल है। एवरेज ही बोलते हैं, एलिगेशन का यूज होगा। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 20 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 23.25 kg, what could be the possible strength of boys and girls respectively in the same class? Average का question जरूर है, लेकिन उतना ही वो allegation का question भी है। बस allegation के अलावा इस question में कुछ है ही नहीं। किस में किसको मिलाया तो क्या बना? And rate should be given. Here is given. What is the ratio? Simple question. इधर आइए। क्लास जो है थर्ड नंबर हम लोग बना रहे हैं, थर्ड नंबर, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, और अगर हम लोग मिला दिए तो ये बना पूरा क्लास, मीन क्लास। एवरेज वेट मतलब क्या है, केजी पर स्टूडेंट, केजी पर स्टूडेंट, ठीक, केजी पर स्टूडेंट। बॉयज का एवरेज है क्लास में एवरेज वेट 30 kg, गर्ल्स का एवरेज वेट है 20 kg, एंड ओवरऑल पूरे क्लास का एवरेज वेट है 23.25 kg। एलिगेशन कहता है इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसका डिफरेंस है 3.25 और इसका डिफरेंस है 6.75। बोले हो गया। अब आप सिंपल रेशियो निकाल लीजिए, आराम से निकाल सकते हैं, 25 से डिवाइड कीजिए, 100 में 4 होते हैं तो 4 × 3 = 12 and 1 = 13 हुआ, और इसको बोलिए 27 हुआ, 13:27 का रेशियो होगा, और इसका मिनिमम नंबर जो है बॉयज का 13 और गर्ल्स का 27 होगा। व्हाट 13 × 27
ये हो सकता है, पूछा है कौन सा हो सकता है, ये रेशियो है 13 ना होकर अगर 26 होगा तो 27 ना होकर के 54 होगा एंड लाइक दैट, लेकिन कुछ इस तरह का होगा। सो आंसर इज 13 एंड 27। बोलिए समझ में आया? ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सुनिए। ए प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेट बाय सेलिंग ए शॉर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शॉर्ट इज ₹1,080, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है, जबकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी डिस्काउंट मार्केट प्राइस को या लेवल प्राइस जो सामने होता है उसे हम 100% मान के देते हैं, लेकिन प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस को 100% मान के दिया जाता है या निकाला जाता है। मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप मैप समझ लीजिए। मैप है ये, मैप है, इसको हमने कहा कॉस्ट प्राइस, ये है, ये है, इसे हमने कहा सेलिंग प्राइस, इसे हमने कहा मार्क प्राइस। देखते जाइए कई तरीके से बनेगा। कॉस्ट प्राइस पर 8% का प्रॉफिट हुआ और मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट हुआ, ये इधर से, ये इधर से, ठीक। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 माने, एक तरीका, तो 108 में सेल करेंगे और फिर इधर से कितना हो कि ये निकले, तो वो निकालना हमें पसंद नहीं है। अगर निकालना पसंद होता, नंबर का स्वरूप ऐसा होता, तो हम लोग बोलते 108 इंटू 100 बाय 88, लेकिन ये सुटेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते। क्या करेंगे, आइए, दिया हुआ है कि एक्चुअल वैल्यू जो है मार्क प्राइस वो 1080 है। एक तरीका, फर्स्ट मेथड में बात कर रहा हूं, थ्री मेथड से बात करूंगा। फर्स्ट मेथड, इस पर 12% डिस्काउंट दीजिए, तो इस पर 12% कितना होगा, 10% होगा 108 और 2% कितना होगा 21.6। कहने का मतलब 129.6 का डिस्काउंट दिया गया इधर से, माइनस 129.6 का डिस्काउंट दिया गया रियल में, रुपए में। तो ये डिस्काउंट यहां ने लिख के यहां लिखता हूं, इसमें दिया गया डिस्काउंट माइनस 129.6 है दिया गया, तो ये कितना बचा, कैसे लेस करेंगे? तो सबसे पहले 100 लेस कर दीजिए, तो 900 हुआ, और 29.6 लेस करना है, 30 लेस कर दीजिए तो 50.4 होगा। बोलिए ये समझ में आया? अब अगर ये मार्केट प्राइस है तो 12% डिस्काउंट देने पर इतने में सेल हुआ, और ये सेल होने पर ये क्या होता है, 8% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या, तो आप निकालेंगे, 950.4 इंटू 100 बाय 108। ये एक तरीका हुआ, और अपना इसको सॉल्व करते रहिए, काटते रहिए, करते रहिए, पसंद नहीं है, कौन इतना काटने जाए, कैंसिल कीजिएगा आ जाएगा, पर पसंद नहीं है, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां तक आइए, मार्क प्राइस दिया ना, मार्क प्राइस लेके यहां आइए। सेकंड मेथड हुआ कि आप यहां तक आइए, यहां तक आइए, इतने का डिस्काउंट देने के बाद इसको 950.4 में सेल करना है, ठीक। तो वो कौन सा कॉस्ट प्राइस होगा जिसमें 8% ऐड कर देने से ये आता होगा, यही आपको सोचना है। तो आप अप्रोक्सीमेटली सोचिए 8%, 8% अगर इसको बोलिए तो 90 मान करके, 9 इसको 890 है, 8% बोलिए, 9 मान के बोलिए, तो 8 × 9 = 72 ऐड करेंगे तो ये आएगा 72, ऐड कीजिए 72 लगभग, तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद 780 में अगर हम ऐड करेंगे तो 780 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए 780 होने से 9% कितना होगा, 9 72 70 के आसपास अगर ऐड करेंगे तो इससे 850 होगा, ये भी नहीं होगा। 900 में अगर हम ऐड करेंगे 72 तो 972 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा कि नहीं, तो देखिए 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से 8% आपको इसमें निकाल के करके ऐड करना है, तो 8 जब बोलेंगे 64, ये इशारा कर रहा है कि ये होगा, और इसका 8% आप निकाल के देखिए और ऐड करके देखिए ये आएगा। तो ये ऑप्शन मेथड जो है सेकंड मेथड है और ये बेस्ट मेथड है कि किसका 8% निकाल के इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाए, ये सेकंड मेथड हुआ। तो ये 880 आंसर हुआ, ठीक है। और थर्ड मेथड ये है, थर्ड में ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड में, और कभी कभी थर्ड मेथड बड़ा काम का हो जाता है, और यहां पर तो सचमुच में जब बनाऊंगा तो आपको लगेगा वाह क्या मेथड। कहानी यहां से शुरू होगी, ये 1080 लिखिए, 12% डिस्काउंट होने पर कितना हो जाएगा, तो 88% हो जाएगा, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इनिशियल निकालना है 100 बाय और 108। बोलिए क्या इससे आसान सवाल नजर आएगा, दिस इज थर्ड मेथड, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड है, और यहां पर ये एकदम सुटेबल है। समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं है, परसेंटेज चैप्टर आप पढ़े होंगे ना, जब इनिशियल निकालना रहता है तो क्या करते हैं 100 ऊपर, जब फाइनल निकालना रहता है तो क्या, इधर फाइनल निकालना है तो नीचे 100 है, और इधर क्या इनिशियल निकालना है तो ये परसेंटेज चैप्टर देख लीजिएगा, इसका डिस्कशन हुआ है, समझ गया, और ये सिंपल बात है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो ये हो गया, ये तीन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ ए नंबर एंड 45% ऑफ द नंबर इज 56, व्हाट इज 65% ऑफ दैट नंबर। देखिए 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 कितना होता है 80%, और 45% उसका डिफरेंस कितना हुआ, बोली 35%, 35% इज इक्विवेलेंट टू 56, व्हाट इज 65%, यही निकालना है। और सॉल्व करने का तरीका, इसको भी डबल करते हैं, इसको भी डबल करते हैं, क्वेश्चन ही बन जाता है 7 से 8 times 104 आंसर। ऐसा सुनिए, 4/5 ऑफ ए नंबर मतलब 80%, किसी नंबर का 80%, उस नंबर का 45%, उसको लेस कीजिए तो 80 में 45 आएगा ना, 35%, तो किसी नंबर का 35% अगर 56 आएगा तो 65% कितना होगा। हमने क्या किया, इसको जो कि 5 था ना यूनिट पर, दोनों को डबल कर दिया, 70% इज इक्विवेलेंट टू 56 अगर बोले तो 130% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, लाइक दैट। ये जीरो काट दिया, 7 से काट दिया 8 टाइम्स, बोले 1 मींस 8, 30 मींस व्हाट, 104 आंसर। समझ में आया, ये श्रृंखला चलती रहेगी, ऐसे क्वेश्चन बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट।